और अब हम अपनी मुहिम इंडिया फाइट्स बैक के तहत अमेरिका के बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की तथा कथित यानी सो कॉल्ड माफी का डीएनए टेस्ट करेंगे। हमारा ये डीएनए टेस्ट भारत रत्न लता मंगेशकर के प्रशंसकों को जरूर देखना चाहिए। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर स्टैंड अप कॉमेडी के बहाने भारत रत्न लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर पर कुछ अभद्र कमेंट्स किए गए थे। इसके बाद सचिन तेंदुलकर और लता जी के प्रशंसकों ने मुंबई में रहने वाले एक तथा कथित कॉमेडियन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। सोशल मीडिया पर भी इस मजाक की काफी आलोचना हुई थी। इसी घटना से जुड़ी एक खबर अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी प्रकाशित की, लेकिन खबर छापने के बहाने अखबार अपनी सारी मर्यादाएं भूल गया और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लता मंगेशकर का जिक्र करते हुए उन्हें सो कॉल्ड प्लेबैक सिंगर यानी तथा कथित प्लेबैक सिंगर कह दिया। अखबार का खबर लिखने का अंदाज ऐसा था जैसे भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित लता मंगेशकर को कोई न जानता हो और वो कोई छोटी मोटी गायिका है। हमारा मानना है कि ऐसा करके द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लता मंगेशकर के साथ साथ 128 करोड़ भारतीयों का भी अपमान किया है। हालांकि अखबार की टिप्पणी का सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध किया गया, जिसके बाद अखबार ने माफी मांगते हुए कहा कि सो कॉल्ड प्लेबैक सिंगर वाक्य का इस्तेमाल लता मंगेशकर के लिए नहीं बल्कि प्लेबैक सिंगर शब्द को समझाने के लिए किया गया था, क्योंकि अमेरिका में ज्यादातर लोग प्लेबैक सिंगिंग से वाकिफ नहीं है। हालांकि ये तर्क गले नहीं उतरता, क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग अमेरिकी नागरिकों के लिए इतना अनजाना भी नहीं है। हॉलीवुड में मशहूर म्यूजिकल फिल्म द साउंड ऑफ म्यूजिक सहित कई ऐसी फिल्में बन चुकी हैं जिनमें प्लेबैक सिंगिंग का इस्तेमाल हुआ है, और अगर अखबार को इस शब्द के बारे में जानकारी देनी भी थी तो भी वो थोड़ी सावधानी जरूर बरत सकता था और एक अलग बॉक्स के जरिए अपने पाठकों को प्लेबैक सिंगिंग की परिभाषा समझा सकता था। हमने भारत रत्न लता मंगेशकर की उपलब्धियों की एक लिस्ट भी आज तैयार की है, जिसे द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के संपादकों और खबर लिखने वाले पत्रकारों को भी ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये उपलब्धियां देखने के बाद इन पत्रकारों की आंखों में शर्म का पानी आ सकता है। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर है। लता मंगेशकर ने भारत की सभी बड़ी भाषाओं में गाने गाए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा गानों की रिकॉर्डिंग्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी लता मंगेशकर के नाम रहा है। लता मंगेशकर ने 36 भाषाओं में 27,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। 1974 में सबसे ज्यादा गानों की रिकॉर्डिंग के लिए लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया था। 1974 तक लता मंगेशकर करीब 25,000 गाने गा चुकी थी। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि उन्होंने अपने करियर में 50,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार 165 साल और 5 महीने पुराना है। इतना ही नहीं, इस अखबार को 117 पुलित्जर प्राइज भी मिल चुके हैं। इसके बावजूद इस अखबार ने लता जी के सम्मान का ख्याल नहीं रखा। लता मंगेशकर की आवाज भारतीय फिल्मों के संगीत की सबसे सम्मानित आवाज है। ऐसे में द न्यूयॉर्क टाइम्स को दी लता मंगेशकर के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज जुटाकर यह खबर लिखनी चाहिए थी। डीएनए देखने के बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के संपादक चाहें तो लता मंगेशकर के गानों की एक सीडी खरीद कर उनकी मधुर आवाज सुन सकते हैं। वैसे हमारे पास लता मंगेशकर द्वारा अंग्रेजी में गाए गए एकमात्र गीत यू नीडेड मी की रिकॉर्डिंग है, जिसे उन्होंने 9 जून 1985 को कनाडा में एक कॉन्सर्ट के दौरान गाया था। हम द न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों को आज यही गाना सुनवाना चाहते हैं।
पश्चिमी मीडिया की एक बहुत पुरानी समस्या है और वो ये है कि वो सिर्फ अपने क्षेत्र या अपने देश के स्टार्स की चकाचौंध से प्रभावित रहता है, लेकिन दूसरे देशों के बड़े कलाकारों का सम्मान करना नहीं जानता और उन्हें हमेशा से हल्के में लेता है। और हम इसी बात को बदलना चाहते हैं।